भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज ममता बनर्जी के गढ़ मालदा जिले में अपने संबोधन में कहा कि मैं चुनावी अभियान की शुरुआत करने आया हूं। 2019 का चुनाव भारत का भविष्य निर्धारित करने वाला चुनाव तो है ही, लेकिन उसके साथ बंगाल के लिए भी यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह चुनाव निर्धारित करेंगे कि भाजपा के कार्यक्रमों को रोकने वाली ममता सरकार रहेगी या जाएगी। अमित शाह का भाषण। विपक्ष की रैली में एक बार भी भारत माता का नारा नहीं लगा, वंदे मातरम का नारा नहीं लगा, बस मोदी 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 होता रहा। एक बार यहां कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया यहां घुस नहीं सकता, विदेशी भी पैर नहीं रख सकता अगर भाजपा की सरकार बन जाए। एक एक हिंदू को नागरिकता देने का काम करेंगे। हिंदू, ईसाई, सिख, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हैं, उन्हें हम नागरिकता देने का काम करेंगे। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए हैं, वो जवाब चाहते हैं कि आप नागरिकता बिल का समर्थन करेंगे या नहीं। मुझे भरोसा है कि वो नहीं करेंगे। वो लोकसभा से वॉकआउट करेंगे क्योंकि उनका वोट बैंक चला जाएगा। बंगाल में ही दुर्गा विसर्जन की अनुमति नहीं है। सरस्वती पूजन के लिए प्रतिबंध, दुर्गा विसर्जन के लिए हमले होते हैं। क्या आप ऐसा बंगाल चाहते हैं? क्या इस तरह का बंगाल है? ये विवेकानंद का बंगाल है, टैगोर का बंगाल है, यहाँ हमें कोई नहीं रोक सकता। पहले यहाँ रविंद्र संगीत गूंजता था, आज बम धमाके सुनाई देते हैं। यहाँ बम की फैक्ट्री चलती है, हम इसे बंद करना चाहते हैं। हमारी सरकार विकास का कारखाना है। ममता दी, जितना कीचड़ फैलाओगे कमल उतना ही खिलेगा। हमारी पार्टी इससे घबराती नहीं है। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो पीएम मोदी ने 5 साल में कर दिखाया। हम आयुष्मान भारत का लाभ देना चाहते हैं। 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके लोग, नेता, एमपी पोस्ट ऑफिस पहुंचकर कार्ड छीन लेते हैं। लेकिन ममता जी आयुष्मान योजना नहीं चाहती। ममता जी को सबक सिखाना पड़ेगा मित्रों। उनकी रैली में वंदे मातरम, भारत माता के नारे नहीं लगते। हम चाहते हैं भ्रष्टाचार हटे, गरीबी हटे, बीमारी हटे, वो चाहते हैं मोदी हट जाए। हम चाहते हैं देश सुरक्षित हो, वो कहते हैं मोदी हटे। ममता जी, कुछ लोगों को जमा करके मोदी जी को नहीं हटा सकते हैं। देश की जनता मोदी जी के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। गठबंधन के नेता चाहते हैं कि देश में मजबूत कमजोर सरकार हो, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी मजबूत सरकार हो जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे। मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता।